चलिए आज शुरू करते हैं। मैंने कल जैसा कहा था कि सेक्शन 55 क्या है कि समय टाइम किस चीज से रिलेटेड, टाइम रिलेटेड टू परफॉर्मेंस ऑफ योर प्रॉमिस टू एन एग्रीमेंट। एक करार में जो आपने वचन दिया है उसको आप समय पे जो पालन करते हैं वो समय कितना इंपॉर्टेंट होता है, वो समय कब उस एग्रीमेंट का एसेंस होता है, ये हमें समझना है। समय कब उस एग्रीमेंट में एसेंस माना जाएगा। मान लीजिए डिले हो गई कभी कभी परफॉर्मेंस में, तो क्या उस डिले की वजह से हम संविदा को, कॉन्ट्रैक्ट को, हम पक्षकारों में कोई ऐसी शक्ति मिल जाती है कि उसको वॉइड कर सके, क्या वो वॉइडेबल हो सकेगा। तो ऐसी सारी परिस्थितियों को हम देखेंगे कि टाइम एज एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, समय कब संविदा का मर्म होता है। मर्म समझते हैं ना, मूल एसेंस माने आप जो हिंदी शब्द है वो ज्यादा बढ़िया है, मर्म नहीं समझ में आता है, तो वो कब उसका मूल तत्व है, समय। तो उन परिस्थितियों का हम कॉन्ट्रैक्ट में आज पढ़ते हैं। धारा है आपकी सेक्शन 55। तो सेक्शन 55 में कहा जाता है कि यदि पक्षकारों का आशय, इफ द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज क्या हो, वॉज दैट टाइम शुड बी ऑफ द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर किसी संविदा में पक्षकारों का आशय समय को महत्ता देना है, उसको मूल रूप में प्रस्तुत करना है, तो क्या होगा, देन अ फेल्योर ऑफ परफॉर्म, फेल्योर टू परफॉर्म एट द एग्रीड टाइम। अगर उस जो सहमति, जिस समय के लिए सहमति बनी है दोनों पक्षकारों की, उस पे अगर पक्षकार फेल कर जाते हैं तो क्या होगा, इट रेंडर्स द कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल। इससे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो सकता है। किसके पक्ष से इसको शून्य किया जा सकेगा, एट द ऑप्शन ऑफ द अपोजिट पार्टी। मतलब जिस पक्षकार ने अपनी तरफ से उस वचन का पालन करने में चूक की है, उसके विपरीत विरोधी जो पक्षकार है, अपोजिट पार्टी यानी सेकंड पार्टी है, उसकी तरफ से उस संविदा को शून्य किया जा सकता है। इट मींस कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में जहां पक्षकारों ने समय को महत्ता दी है, प्राथमिकता दी है, मूल माना है, वहां पे अगर कोई पक्षकार चूक करता है, किस चीज से चूक करता है, उस प्रॉमिस को ओबे करने से, प्रॉमिस पूरा करने से, फुलफिलमेंट ऑफ प्रॉमिस इन एग्रीमेंट, तो दूसरे पक्षकार के तरफ से उस करार को, उस संविदा को शून्य किया जा सकता है, वो शून्य करनी होगा। अब देखिए समय को कैसे मानेंगे कि ये संविदा का एसेंस है। तो तीन परिस्थितियों को बताया जाता है, वो ये है कि when parties have expressly agreed to treat the specified time as of the essence of the contract। जैसा मैंने पहले बताया, वो ऐसी स्थिति जहां पे पक्षकारों ने अभिव्यक्त रूप से सहमति व्यक्त की हो कि जो स्पेसिफाइड टाइम है, स्पेसिफाइड टाइम को वो उस संविदा का मूल मानते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संविदा की जा रही है और उसमें क्या पार्टीज ये एग्री होती है कि अगर इस समय पे, इस दिन पे इतने बजे तक हमें ये माल की आपूर्ति नहीं की गई तो हम इसको मानने से बाध्य नहीं होंगे, यानी छोड़ सकते हैं। तो वहां क्या है, टाइम स्पेसिफाइड जो है वो
एसेंस है उस कॉन्ट्रैक्ट का, क्योंकि दोनों पक्षकार उस पर सहमत है। दूसरा, वेयर डिले ऑपरेट्स इंजरी, जहां पे देरी की वजह से दूसरे पक्षकार को, जिसको समय पे अपने वचन का पालन करना है उसने नहीं किया और उसकी वजह से देरी हो रही है, और देरी की वजह से दूसरी पार्टी को इंजरी होती है, वेयर डिले ऑपरेट्स इंजरी। ठीक, तीसरा बिंदु है वेयर द नेचर एंड नेसेसिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर इट टू बी सो कॉन्स्टिट्यूट, जहां पर जो आपने एग्रीमेंट किया है उसके शब्दों से ये पता लगता है उसके कि इस कॉन्ट्रैक्ट की क्या जरूरत थी, इसका क्या नेचर था। ये दो शब्द है नेचर एंड नेसेसिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, लगता है कि नहीं इसमें इस संविदा के प्रकृति और आवश्यकता को देखते हुए लगता है कि ये इस तरह से माना जाना चाहिए, विचारित किया जाना चाहिए कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स इट टू बी सो कॉन्स्टिट्यूट, ऐसा माना जाना चाहिए कि इस संविदा में समय जो था वो मूल था, उसको बहुत महत्वपूर्ण था। अगर नेचर और नेसेसिटी से ऐसा पता लगता है तो ये तीन बिंदु है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी कॉन्ट्रैक्ट को देख के कि इसमें संविदा वॉज ट्रीटेड एज एन एसेंस ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट। ये तीन बिंदु मुझे लगता है कि आपको स्पष्ट हो गए होंगे। आगे कौन सी कंडीशन, तीन बिंदु बताए अब उसको फिर से क्या बताए, आप इसको क्लिक करिए, आपके मोबाइल पर दिख रहा होगा मोबाइल, उसको आप क्लिक कर लो, फिर मैं कौन सा नहीं समझ में आया वो बताओ ना, तुम 5 मिनट से तो वही बता रहा हूँ, कौन सा बिंदु जो नहीं समझ में आया वो बताइए। तीसरा वाला कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा, लिखा पढ़ी में होगा, वर्बल भी होता है, फिर भी ये पता लगे उस उन चीजों को देख के ये पता लगे कि इस कॉन्ट्रैक्ट में जो है कि ऐसा नेचर है, जैसे मान लीजिए कि किसी चीज की आज हमें डिलीवरी देनी है, उदाहरण के समझिए सब्जी मंडी में आप चले जाओ, कभी आप सुबह सब्जी मंडी में गए हो, जैसे मंडी परिषद है जो भी आपकी मंडी परिषद हो, वहां आप जाओ सुबह सुबह ही 5 बजे तक सारा वहां पे जो व्यापार होता है लगभग खत्म हो चुका होता है। ठीक है, हमको भी उसी मंडी का मैं एक पार्ट हूं, मैं भी सुबह सुबह सेल करता हूं, मैंने कहीं से आलू खरीदने का सप्लाई करने का उसको कहा कि मुझे रात 12 बजे मिल जाए, रात 1 बजे मिल जाए, ताकि मैं सुबह 4-5 बजे अपने मार्केट में उसको बेच सकूं। अब वहां क्या है, नेचर से क्या पता लग रहा है, नेचर ये है कि वहां पे अगर उस टाइम पे आलू मुझे सप्लाई नहीं मिले दूसरी पार्टी की तरफ से तो मेरी मार्केट तो बेकार। तो अगर वहां कहा गया कि नहीं रात में मुझे मिल जानी चाहिए, तो वहां पे नेचर और नेसेसिटी क्या कहता है उस कॉन्ट्रैक्ट का कि नहीं वो टाइम एसेंस है उस कॉन्ट्रैक्ट का। समझ में आया, जहां पे पता लगे कि नेचर और नेसेसिटी से कॉन्ट्रैक्ट की आवश्यकता और प्रकृति क्या कह रही है, तो वहां पे ऐसा माना जा सके, वहां पे मतलब प्रेजम्पशन हो जाता है कि हाँ प्रेजम्प किया जा सकेगा कि टाइम वाज द एसेंस। ठीक है, एक उदाहरण के लिए इस पे चलते हैं, उदाहरण लेके इसको मैं मिटा दे रहा हूं। भद्रचंद, ठीक है समझिएगा, भद्रचंद्र वर्सेस बैट्स, ठीक है, ये है वादी प्लेंटिक भद्रचंद्र, कुछ जंगल का मामला था, कोई बुक में जो टर्म दिया गया वो केडा करके है, KHEDA, तो उसका मतलब ये है कि जंगली हाथी जो होते हैं उनको पकड़ने की कार्यवाही। ठीक है, तो इन्होंने इनकी हाथी जो थी, क्योंकि हाथी पकड़ने के लिए घोड़े पे तो नहीं जा पाएंगे मुझे लगता है, या कुछ ऐसा होता होगा, एक हाथी की आवश्यकता थी, तो इनसे इनकी हाथी पालतू हाथी किराए पे ले आ गया, एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया और कहा गया कि 1 अक्टूबर को, ठीक है 1 अक्टूबर को, 1st ऑफ अक्टूबर को आप अपनी हाथी पहुंचा देना
उन्होंने कहा ठीक है पहुंचा देंगे, लेकिन जब समय आया तो इन्होंने कहा नहीं संभव नहीं है, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है, मुझे 6 तारीख तक का समय दे दो। चलो एक्सटेंडेड। अब यहां देखिए समय मूल है ऐसा प्रज्यूम किया जाए, कंस्ट्यूट किया जाए, ये उसने एक लाइन लिखी है जब आप पढ़ेंगे कि अगर एक्सटेंशन ऑफ टाइम का रिक्वेस्ट किया जाए। देखिए यहां एक्सटेंशन ऑफ टाइम का रिक्वेस्ट किया गया है, तो इसका मतलब लगता है कि टाइम पे किया जाना जरूरी था, नहीं तो एक्सटेंशन ऑफ टाइम का रिक्वेस्ट न किया जाता, बाद में कभी भी कर दिया जाता। तो एक्सटेंशन ऑफ टाइम का रिक्वेस्ट करने का मतलब अगर उस टाइम पे नहीं किया गया तो बेकार हो जाएगा, इसलिए हम रिक्वेस्ट कर लेते हैं आगे बढ़ाने के लिए। तो लाइन इसका यही आशय। तो 6 अक्टूबर को चलो ठीक है एक्सटेंडेड, बट ये फेल हो गए, यहां तो फेल नहीं। अब ये 10 तारीख को सुबह लेके चले आ रहे हैं, कह रहे भैया ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था हाथी को और कुछ पैसा वैसा तो तय हुआ है, लेके चले। तो इन्होंने कहा नहीं मैं नहीं लूंगा तुम्हारी हाथी, मुझे जरूरत ही नहीं है। 1 तारीख से 10 तारीख पता नहीं कितने लोगों की हो सकता है जाने गई हो, कितने नष्ट हुई हो, मैं नहीं लूंगा, संविदा को मैं क्या करता हूं समाप्त करता हूं और इनके खिलाफ जो भी नुकसानी है और उसके लिए इन्होंने केस दायर किया। तो कोर्ट ने यही कहा गया कि ऐसे मामले में या इस मामले में जो समय था आप 1 से 6, 6 से 10 नहीं कर सकते, वहां पे वो एसेंस माना गया, एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, टाइम स्पेसिफाइड इन कॉन्ट्रैक्ट वॉज ट्रीटेड एज एसेंस ऑफ दैट एग्रीमेंट। तो अगर आपने नहीं किया तो आपको जो नुकसानी हुई है उसकी भरपाई चाहिए और संविदा इसके जो पीड़ित पक्षकार हुआ उसके तरफ से उसके बिल पे क्या होगी फाइनेबल हो जाएगी। चलिए इतना तक मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। मैं अभी धारा 55 को पढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, या कहिए तो पढ़ लो, बाद में पढ़ता हूं ठीक है। कुछ परिस्थितियों का वर्णन होता है कि कब कब ये जो टाइम यानी किन किन ट्रांजेक्शंस में टाइम को कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट का एसेंस माना जाएगा ठीक। इन कमर्शियल ट्रांजेक्शंस क्या लेते हैं टाइम इज एसेंस इन कमर्शियल ट्रांजेक्शंस। अगर कमर्शियल ट्रांजेक्शंस की बात करें, हेडिंग लीजिएगा, इनमें हमको समझना है इन परिस्थितियों में टाइम का क्या वैल्यू होता है, टाइम को मूल माना जाएगा एसेंस माना जाएगा या नहीं माना जाएगा इन कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन। जो व्यापारिक संव्यवहार होते हैं उसमें क्या समय को एसेंस माना जाना चाहिए? तो आप जान लीजिए चाइना कॉटन एक्सपोर्टर्स वर्सेस BRC मिल्स ठीक है, BRC मिल्स एक लाइन इस चीज को ये था सुप्रीम कोर्ट का मामला था। एक लाइन जब आप कमर्शियल ट्रांजेक्शन के बारे में लिखिए तो जरूर लिखिए कि चाइना कॉटन एक्सपोर्टर्स वर्सेस बीआरसी मिल के मामले में, मिल्स के मामले में कहा गया था कि इन कमर्शियल ट्रांजेक्शंस या कॉन्ट्रैक्ट टाइम इज ऑर्डिनरीली मतलब सामान्य रूप से किसी कमर्शियल ट्रांजेक्शन में, कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट में टाइम जो क्या होता है एसेंस होता है, द एसेंस ऑफ द सेट कॉन्ट्रैक्ट। बात समझ में आई? व्यापारिक संव्यवहार अगर कोई किए गए हैं इस केस में आप लिखिएगा कि सामान्य रूप से ऑर्डिनरली जो समय होता है वो इनमें मूल माना जाता है। क्यों माना जाता है मूल भाई, क्यों माना जाएगा? क्योंकि आप देख रहे हैं इतना कंपटीशन का युग है, हमको एक समय में अगर सप्लाई नहीं दे पाए
किसी चीज की व्यापार में क्या होता है, किसी चीज की खरीद और बिक्री ही तो होती है। अगर हमने उस टाइम में किसी चीज की किसी को प्रॉमिस किया है कि भाई आपको ये हम सप्लाई देंगे और मैंने सामने वाले को ऑर्डर दिया है कि आप मेरे को सप्लाई करो, उस टाइम पर नहीं देगा तो दूसरे लोग खड़े हैं सप्लाई करने के लिए, करेंगे, नुकसान होगा ना। व्यापार में अगर टाइम नहीं हुआ तो टाइम ही तो सब कुछ है, टाइम अगर नहीं दिया ठीक से, टाइम पे अगर चीजों को नहीं किया तो फिर व्यापार आपका खत्म हो जाएगा। तो इसलिए व्यापार को, व्यापार का जो व्यवहार है, बिजनेस ट्रांजेक्शन या कमर्शियल ट्रांजेक्शन है, उसमें इसको मूल माना गया है। जैसे एक और केस देख लेते हैं, हितकारी मोटर्स वर्सेस अतार सिंह। हितकारी मोटर्स वर्सेस अतार सिंह का मामला है, उसमें कहा गया था कुछ कॉन्ट्रैक्ट की जो संविदा थी, कुछ आयातित चीजों का, इंपोर्टेड गुड्स का सप्लाई किया जाना था इन मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर। अगर अक्टूबर नवंबर में इसकी सप्लाई की जानी है तो इट मींस कि उस चीज की जरूरत हो सकता है कि उसी समय में ज्यादा होती हो, इसलिए उसने आपको ऑर्डर किया है कि आप सप्लाई करो। अगर इसके अलावा आप करना चाहते हो, टाइम को इधर उधर करना चाहते हो, तो वो माने नहीं होगा और इसमें जो हितकारी मोटर्स की वादी है तो इनको खंडन करने का, उस संविदा का, संविदा को रिपीडिएट करने का अधिकार मिल जाता है और इनके इनके तरफ से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट को वाइटेबल बनाया जा सकेगा। ठीक है, यहां तक मुझे लगता है क्लियर है। जैसे उदाहरण कई है, आपके केसेस कई मिलेंगे, जैसे ट्रक की चेजेस खरीदी गई और उसको कहा गया कि ठीक है हमारे पास अभी नहीं है, जो सप्लायर था उसने कहा अभी नहीं है, ठीक है सामने वाला तैयार हुआ कि 2 महीने के अंदर यू हैव टू सप्लाई दीज चेजेस, नहीं करता है तो वहां खत्म की जा सकती है, शून्य की जा सकती है, शून्यकरणीय हो जाएगी। इसी तरह से मान लीजिए उस तरह केसेस हैं आपके, ये सब केसेस हैं, मैं नाम नहीं बता रहा हूं लेकिन दो नाम पर्याप्त है, उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं। कोई ऑप्शन हुआ और ऑप्शन में ये कहा गया कि नीलामी होगी, नीलामी में कुछ आपको पेमेंट करना होगा, वो इसका ऑप्शन जो ऑप्शन में पार्टिसिपेट कर रहा होगा, अगर उसने हाईएस्ट बिड कर दी है तो उसको पे करना होगा और इट इज द टर्म ऑफ दैट ऑप्शन या कंडीशन ऑफ दैट ऑप्शन दैट पेमेंट शुड बी मेड विद इन 15 डेज ऑफ दैट ऑप्शन। तो ये जो 15 डेज का मामला होगा वो क्या होगा, वो क्या वो होगा एसेंस, मूल होगा। अगर वो 15 दिन में, शायद एक किसी केस में पहले पढ़ा चुका हूं, अगर 15 दिन उस दिन में नहीं वो करता है तो शून्यकरणीय हो जाएगी संविदा, अगर वो 15 दिनों में भुगतान नहीं करता है तो। ठीक है, मैंने बताया है, मुझे जहां तक याद आ रहा है, आप लोग देखिएगा जरा। एक चीज और है कि अगर किसी एग्रीमेंट में आपको कुछ भुगतान करना है दूसरी पार्टी को, तो उस तरह भुगतान के लिए दैट पेमेंट देयर इज अ स्पेसिफाइड डेट इन योर कॉन्ट्रैक्ट, देन दैट डेट या दैट टाइम वुड बी द एसेंस ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जैसे महावीर प्रसाद रोहटा, महावीर प्रसाद रूंगटा वर्सेस दुर्गा दत्त का मामला। इसमें क्या था, टाइम ऑफ पेमेंट की कुछ बात थी और बहुत सारी कंडीशंस थी। एक कोयलरी थी, कोयला खदान, आप समझ सकते हैं, कोयला खदान से कोयले को ट्रांसपोर्ट किया जाना था कहां तक, रेलवे स्टेशन तक। तो एक ट्रांसपोर्टर की जरूरत पड़ी और ट्रांसपोर्टर से कोयलरी के जो मालिक थे उन्होंने ये संविदा की कि आप इसको ढोके ले जाओ, यहां से वहां तक सड़क नहीं ठीक है वो मैं ठीक करा दूंगा, और जो आपके गाड़ी का पेट्रोल या डीजल लगेगा वो मैं भुगतान करूंगा,
बाकी जो भी और भी कंडीशन नहीं होंगी, ये कुछ मेन कंडीशन थी। और अगले महीने की 10 तारीख तक जो भी आपका पेमेंट बनेगा वो अगले 10 तारीख को कर दिया जाएगा। अब इसमें कई सारे टर्म्स थी, लेकिन इसमें ये वाला एक मुख्य संविदा थी, इसीलिए इसमें मुख्य बिंदु था संविदा का, दैट वाज अ मेन पॉइंट रिलेटेड टू पेमेंट। तो वहां पे जब कोयलरी का जो ओनर था वो फेल कर गया अपने सारे इन चीजों को पूरा कर, जब पूरा करने में फेल कर गया तो क्या होगा, ट्रांसपोर्टर ने कहा ठीक है ना, कुछ पैसे दोगे ना कुछ करोगे तो मैं संविदा को खत्म करता हूँ, क्या करता हूँ, क्यों नहीं करता हूँ, कोर्ट में क्या होगा अपने कंपनसेशन वगैरह के लिए, क्षतिपूर्ति के लिए। तो वहां पे उसके पक्ष में ये बात की गई कि अगर पेमेंट ठीक से नहीं हुआ है तो इसको एक बिंदु पे आप नहीं देगा पेमेंट, एक टाइम ऑफ पेमेंट एज ए एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अगर कहीं ये है तो वो एसेंस माना जाएगा, ठीक है। अब एक अभी तक हम किसमें चले, कमर्शियल ट्रांजेक्शन में, अब आते हैं थोड़ा कमर्शियल कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड अगर कोई मामला है, कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन क्या कह सकते हैं, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट मतलब अगर किसी चीज को निर्माण करने की बात की गई है, कंस्ट्रक्शन की बात की गई है, तो जाहिर सी बात है कि कंस्ट्रक्शन में कोई जो इन्वॉल्व होगा फ्री में तो करेगा नहीं, पैसे लेगा, और पैसा जब लिया तो उसका इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं ये क्या है, कमर्शियल ट्रांजेक्शन आ जाएगा, कमर्शियल ट्रांजेक्शन, ठीक है। जब कमर्शियल ट्रांजेक्शन हो गया तो कमर्शियल ट्रांजेक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं, तो इसमें अगर आपने आप बीइंग अ कॉन्ट्रैक्टर बीइंग अ कंस्ट्रक्टर अगर आप कोई टाइम लिमिट देते हैं किसी को बनाने का, बना के कोई चीज डिलीवर करने का, तो यू हैव टू फॉलो दैट टाइम लिमिट, और इफ यू फेल टू फॉलो दैट कॉन्ट्रैक्ट कैन बी मेड वॉइड ऑन द बिल ऑफ अदर पार्टी। तो आप इसको एक एक केस छोटा सा समझ में याद रहेगा तो लिख लीजिएगा, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक वर्सेस जवाहरलाल नेहरू, यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक वर्सेस जवाहरलाल मिल्स, इसमें क्या था, जैसा इसको देख रहे हैं ये देख रहे हैं ये कॉन्ट्रैक्टर थे, इन्होंने इस बैंक को कहा कि मैं आपके लिए ये बिल्डिंग बना के 6 महीने के अंदर दे दूंगा, 6 महीने में नहीं बना पाए तो क्या हुआ, ये कमर्शियल एक्टिविटी पहले ही हमने ट्रीट कर ली है ना, तो कमर्शियल एक्टिविटी इफ इट इज ट्रीटेड देन, जब 6 महीने में नहीं किए तो यूनाइटेड बैंक की तरफ से इसको खत्म किया जा सकता है, इनके तरफ से इसको वर्डेबल किया जा सकता है, वर्डेबल है और वायड किया जा सकता है। यहां पे एक मसला और हुआ कि 6 महीने का जो टाइम पीरियड था वो खत्म हो गया, मान लीजिए अक्टूबर में खत्म हो गया, ठीक, तो तुरंत बैंक नहीं गया इसके लिए वायर कराने के लिए, जाता है दिसंबर में, दिसंबर में बैंक गया कि नहीं इन्होंने किया नहीं इसलिए हम इसको खत्म करना चाह रहे हैं, तो इन्होंने बहाना क्या लिया कि अक्टूबर में खत्म हुआ था इन्होंने नहीं किया, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि इन्होंने इसको एक्सटेंड कर दिया है, तो क्या कोई ऐसा एम्प्लाइज कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा क्या कि 2 महीने में हमने नहीं कहा इसलिए हम तैयार है कि नहीं आप इसको कंटिन्यू करो, तो कोर्ट कहता है नहीं, ऐसी कोई एम्प्लाइज कॉन्ट्रैक्ट यहां पे नहीं माना जा सकता क्योंकि आप इसको पूरा नहीं कर पाए हैं और ये 2 महीने के डिले से आए हैं, तो इसको सिर्फ आधार बना के हम ये नहीं कह सकते कि इन्होंने आपको कोई विवक्षित जो है ना एम्प्लाइज कॉन्ट्रैक्ट में ये फिर से शामिल हो गए हैं कि आप काम को कैरी ऑन करो, ऐसा कुछ भी नहीं माना जाएगा। तो इस बिंदु को थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब अगला कौन सा ट्रांजेक्शन किस नेचर का होगा उसको समझते हैं। सेल ऑफ
गुड्स, अगर कॉन्ट्रैक्ट कह दें या ट्रांजेक्शन कह दें तो सेल ट्रांजेक्शन, सेल ट्रांजेक्शन की बात कर सकते हैं। सेल्स ट्रांजेक्शन में क्या होगा, देखिए होता क्या है कि पहले सारी चीजें लगभग, और आज भी हमने कोई समय दिया कि आप मुझे आपूर्ति करेंगे 15 तारीख को, मान लीजिए 200 किलोमीटर है, इलाहाबाद में मैं बैठा हूं, आप लखनऊ में बैठे हैं, आप सप्लायर हैं, मैं बायर हूं, मैं कहता हूं 30 तारीख 30 जून को मुझे मिल जाना चाहिए माल, आप क्या आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप कम से कम 30 को अगर हमें सुबह मिलना है तो आप 29 को दोपहर तक उसको आप लोड करा के डिस्पैच करा दो, क्योंकि हो सकता है रास्ते में कुछ ऐसी बाधाएं आए कि मुझे समय पे ना मिल पाए। अब मुझे 10 बजे चाहिए और आपने क्या किया, सुबह 7 बजे माल लगवा दिया लखनऊ में, तो 200 किलोमीटर 3 घंटे में नहीं आएगा ना। यहां जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये है कि जो शिपमेंट होता है, शिपमेंट मतलब लदाई का समय, लोड कराने का किसी गाड़ी पे या शिप पे या जो भी, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दैट इज द एसेंस। एसेंस क्या, टाइम, टाइम एसेंस होता है सेल्स ट्रांजेक्शन में, टाइम ऑन विच शिपमेंट इज डन या शिपमेंट इज मेड, जब शिपमेंट किया गया है, तो ये होता है सेल्स ट्रांजेक्शन। ठीक है, क्या बताएगा, सेल ट्रांजेक्शन में शिपमेंट मुख्य होता है, लदाई का समय, इसको आप ध्यान रखिएगा। कहीं से चावल आना था कुछ, ठीक है, ये है गोज वर्सेस ये है एक केस, बोस वर्सेस शान का मामला है। इसमें जैसे कहा गया, इसमें जो मैटर था, फैक्ट था, वो ये था, मद्रास से चावल को शिप किया जाना था, कहां कहीं के लिए, कब किया जाना था, मार्च अप्रैल, मार्च अप्रैल के महीने में इसको क्या किया जाना था, शिप किया जाना था। इसका ये जो ये महीना याद रखिएगा, वैसे 1874 का कुछ है, मार्च और अप्रैल में इसको शिप किया जाना था मद्रास के लिए, कहीं से आ रहा था। लेकिन मैंने जो कहा कि टाइम, बिजनेस ट्रांजेक्शन, कहीं ना कहीं दीज ऑल ट्रांजेक्शन आर रिलेटेड विद, रिलेटेड टू कमर्शियल ट्रांजेक्शन, समय का बहुत महत्व होता है। जो भेजने वाला था उसने वेब में ही भेज दिया, वेब में ही शिपमेंट कर दिया, वेब में जब शिपमेंट कर दिया तो कहेगा कि हम अपने पास से आपको माल भेज रहे हैं, आप अपना संभालो। हो सकता है जो दूसरी पार्टी उस समय कुछ और बिजनेस कर रही हो, उसको उस समय जरूरत न रहती हो, इसलिए उसने अगर यहां पे कहा कि मार्च अप्रैल में चाहिए तो मार्च अप्रैल में चाहिए। दैट शुड बी मेड इन फेब्रुवरी ओनली, सॉरी स्पेसिफाइड मंथ, मार्च एंड अप्रैल, नॉट इन फेब। अगर फेब में कर दिया, आर्मी कर दिया, तो भी कोई उसका मतलब नहीं है, उसी समय करो। ठीक है, तो इस केस को आप लिख सकते हैं। यहां भी चाइना कार्टन एक्सपोर्टर्स वाले मामले को आप लिख लीजिएगा कि टाइम बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसमें भी अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर नवंबर 1950 का कुछ मामला था कि उस समय हमको सप्लाई देनी है, और उस समय न देखे उसने एक शर्त कुछ और लिखी थी कि हमें लाइसेंस मिला तो लाइसेंस नहीं मिलेगा, तो इसका क्या मतलब है, आपने जो वहां पे लिख दिया है अक्टूबर नवंबर में हमें माल चाहिए तो वो एसेंस होगा, और दूसरा वाला पार्टी उसको या तो सिर्फ आप इतना लिखते कि जब हमें लाइसेंस मिल जाएगा तब हम आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे, चलिए चलता। लेकिन अगर इफ यू हैव स्पेसिफाइड टाइम पीरियड अक्टूबर नवंबर, वहां पे स्पेसिफाइड है, तो वो एसेंस माना जाएगा। ये नहीं कहोगे कि लाइसेंस नहीं मिला तो इसको हम एक्सटेंड करना चाहते ना,
तो इसको आप लिख सकते हैं, नहीं तो जैसे सफिशियंट हियर एंड नेक्स्ट एक बिंदु है इफ यू हैव परचेज्ड एनी आइटम ऑन हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज को मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, आप समझ लीजिए जैसे ईएमआई वाला मामला है, ठीक है, हम किस्तें देते रहेंगे, किस्तें देते रहेंगे, समझ वाले समझ जाएंगे हायर परचेज। तो हायर परचेज सिस्टम में आप ईएमआई देते हो ना एक तरह से, एक दो तीन चार पांच छह ऐसे होती है ना, ढेर सारी ईएमआई आप देते हो। तो ये जो डेट फिक्स होती है ना, डेट यहां 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 सारी डेट होंगी ना, ये भी टाइम हुआ, तो ये होता है हायर परचेज में। आप एक बिंदु में सिर्फ लिखेंगे वन पॉइंट इन हायर परचेज ट्रांजेक्शन टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स या हायर इंस्टॉलमेंट्स इज ऑफ एसेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। हायर परचेज का आप लिख लीजिएगा एक बिंदु में, एक लाइन में, कुछ ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। अब चलते हैं, एक बिंदु आता है, अगर आपको कहीं नौकरी में जाना है, कहीं कुछ करना है, आपको रिपोर्टिंग टाइम दिया जाता है, टाइम ऑफ रिपोर्टिंग या रिपोर्टिंग टाइम, ठीक। रिपोर्टिंग टाइम क्या है, इसमें मामला ये था कि एक गायक या गायिका जो भी रही हो, उसको एक थिएटर में परफॉर्म करने के लिए इंगेज किया गया, एंड इट वॉज सेड दैट जो एंगेजमेंट है ना, जिस दिन से शुरू होगी उसके बिफोर सिक्स डेज यू हैव टू रिपोर्ट एट थिएटर या ऑफिस जो भी रहा हो, सिक्स डेज की रिपोर्टिंग टाइम थी। ये क्या किया, छह महीना आके दो दिन पहले ये पहुंचा वहां पे, पहुंचा पहुंची क्यों बिना। अब थिएटर मालिक क्या कहता है, नहीं ये संविदा खत्म हो गई, संविदा मैं नहीं मान सकता, तुमको टाइम दिए थे, तो कोर्ट क्या मामला, तो कोर्ट यहां पे अब अगले कोर्ट में जब मामला गया तो कोर्ट ने कहा नहीं, इसको आप शून्य नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो रिपोर्टिंग टाइम है दैट इज वारंटी इन दैट कॉन्ट्रैक्ट नॉट टर्म और कंडीशन। वारंटी को अभी मैं बहुत नहीं बताऊंगा, जरूरत भी नहीं है, इसको अगले सेमेस्टर में जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे पूरा एक चैप्टर है वारंटी और कंडीशंस का। आप आज से सोचना शुरू करिएगा कि जो वारंटी आप समझ रहे हैं, जो समझते हैं अपने दैनिक जीवन में, ये वो वारंटी नहीं है, इस वारंटी का पूरा मतलब ही अलग है, ठीक है। वहां भी हम गारंटी पढ़ेंगे, वारंटी पढ़ेंगे, कंडीशन पढ़ेंगे, वारंटी और कंडीशन टर्म, ये तीन चीजें एक साथ पढ़ेंगे। तो देखें मतलब ये कहा, कोर्ट ने क्या कहा, वारंटी माने आप ये समझिए कि बहुत मूल चीज नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण चीज उस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, दैट इज कॉल्ड वारंटी। कंडीशन क्या होती है, महत्वपूर्ण चीज जो होती है वो होती है कंडीशन। तो कोर्ट ने कहा कि जो कंडीशन था वो उसका परफॉर्मेंस था, उसका रिपोर्टिंग नहीं था, रिपोर्टिंग टाइम वाज नॉट द एसेंस ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट, तो इसको आप वैलिड नहीं कर सकते हो। हाँ एक काम आप कर सकते हो कि अगर आपको लगता है कि कुछ उनसे नुकसान हुआ है, कुछ टिकट की बिक्री नहीं हुई है, आप कंफर्म नहीं थे कि हम टिकट सेल करें या ना करें, तो उसके लिए आप जो नुकसान हो सकता है उसको आप इससे ले सकते हो, ठीक है। लेकिन आप पूरे पूरे कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड नहीं कर पाओगे, ये इस मामले में कहा गया था रिपोर्टिंग टाइम को लेते हुए। अगला आता है, क्योंकि देखिए इसको कंडीशन समझना ज्यादा जरूरी है, और जो बेयर प्रोविजन है वो तो नामात्र का है, उसको बता देते हैं, बता देंगे, आगे में समय मिला तो आज, कल मिला तो कल। अगर मान लीजिए इमूवेबल प्रॉपर्टी,
लैंड, इन सब का अगर सेल का मामला हो, क्या हो, इनकी अगर डीलिंग हो, डीलिंग कह सकते हैं, डीलिंग इन सेल का ही ना मामला होगा, डील करेंगे सेल पर किस तरह, तो इसमें एक केस आप लिखिएगा डेल्ही डेवलपमेंट अथॉरिटी का, सुप्रीम कोर्ट का केस है, ध्यान रखिएगा, आर के सक्सेना वर्सेस डीडीए, आर के सक्सेना डेल्ही डेवलपमेंट अथॉरिटी, इट वॉज, इट इज द केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट, क्या कहा गया था, ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड, बिल्डिंग, ये सब की डीलिंग जो होती है, इसमें इट वुड बी नॉर्मली प्रज्यूम्ड दैट टाइम इज नॉट ऑफ द एसेंस ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट, सामान्य रूप से इसमें ये माना जाएगा कि जो समय है वो इसमें मूल नहीं होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रक्रियाएं होती हैं, कंस्ट्रक्शन का मान लीजिए कुछ ऐसा है, इमोवेबल प्रॉपर्टी का, तो उसमें कुछ चीजें आगे पीछे हो सकती हैं, तो कोर्ट ने इसमें टाइम को एसेंस नहीं माना है, ये ध्यान रखिएगा, इस केस में ध्यान सुप्रीम कोर्ट का है, ये भी आपको याद रखने की चीज है, लेकिन लेकिन मान लीजिए कि आपने कोई अपनी इमोवेबल प्रॉपर्टी जैसे बिल्डिंग, लैंड, कुछ आप लीज पे दे रखे हैं, लीज, लीज माने पट्टा, पट्टा माने एक किराया, पट्टा जो होता है लॉन्ग टर्म के लिए होता है, रजिस्टर्ड हो जाएगा, रजिस्टर्ड लीज डीड हो जाएगी, तो उसके अनुसार अगर आपने पट्टा दे रखा है किसी को और उसने एक शर्त डाल दिए हैं कि फॉर रिनोवेशन, फॉर रिन्यूअल पर्पज यू हैव टू अप्लाई बिफोर 10 or 15 days ऑफ द एक्सपायरी ऑफ दैट डीड, बात समझ में आई, कि अगर लीज को रिन्यू करना है और रिन्यू करने के लिए उसमें शर्त पड़ी है कि जब ये लीज डीड खत्म हो रही है उसके 1 महीने 15 दिन 20 दिन पहले ही आप ओनर को अप्लाई करेंगे, एंड इफ यू फेल टू अप्लाई तो क्या होगा, वो चाहेगा तो रिड्यूस कर देगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, तो इसके इसमें लीज डीड के मामले में इमोवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड है, लेकिन लीज डीड में इस कंडीशन को थोड़ा अलग तरीके से ट्रीट किया गया है, तो वहां कहा गया है कि उसमें संविदा को एसेंस ट्रीट किया जा सकता है या किया जाएगा, ये केस था कार्टेक्स इंडिया लिमिटेड वर्सेस, लिख देता हूं, कार्टेक्स इंडिया लिमिटेड भगवान क्या है, देवी मनोडिया, भगवान देवी जो मैंने अभी बताया कि रिन्यूअल के जो भी कंडीशन दी गई हैं उस टाइम पे आपको लीज रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना होगा, अदरवाइज वो दूसरे पक्षकार के मर्जी पे शून्य किया जा सकेगा, ठीक, समझ में आ रहा है ना भाई, मैं पूछ नहीं रहा हूं क्योंकि कुछ ऐसा नहीं है कि पूछो, समझ में आ रहा है ना रितिक, यस सर, आ रहा है, यस सर, यस सर, ठीक है, मान लीजिए कि राइट टू स्पीक एक्सटेंशन समय खत्म हो गया है, समय के लिए विस्तार मांगा गया है, जैसे पहले वाले केस में हाथी वाले मामले में था, 1 तारीख को देना था, 6 तारीख तक एक्सटेंशन लिया गया, एक्सटेंशन पाना किसी का अधिकार नहीं है, दैट इज नॉट द राइट ऑफ ए पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने भर से अप्लाई किस लिए, टू अदर पार्टी फॉर एक्सटेंशन ऑफ दैट पीरियड, टाइम पीरियड, तो अप्लाई कर देने मात्र भर से एक्सटेंशन होता नहीं है, और एक्सटेंशन होगा नहीं तो उसको आगे मौका नहीं मिलेगा, और अगर ये कहा गया है कि ये कोई कॉन्ट्रैक्ट उसमें कहा जाता है टाइम पीरियड अगर खत्म हुआ, ये खत्म हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा अगर उसने उस बीच में आपने कोई अपने प्रॉमिस को परफॉर्म नहीं किया, तो उस टाइम के बाद वो
खत्म हो जाएगा, उसको विस्तार के लिए, उसने एक्सटेंशन के लिए, टाइम एक्सटेंशन के लिए भले अप्लाई किया हो और एक्सटेंशन नहीं मिलती है तो नहीं माना जाएगा। स्टेट ऑफ ओरिसा वर्सेस दुर्गा एंटरप्राइजेस, स्टेट ऑफ ओरिसा वर्सेस दुर्गा एंटरप्राइजेस में ये मामला कहा गया था। ठीक है, एक और जान लीजिए, ये खत्म होने की कगार पे है। अगर शेयर, शेयर भी होता है ना, शेयर सेल परचेज होता है, बाइंग है, सेलिंग ये सब चलता है अल्ट्रा ट्रेडिंग में, तो अगर कोई शेयर में आप काम कर रहे हैं तो इसमें भी टाइम इज एसेंशियल ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट, ध्यान रखना होगा, क्योंकि शेयर ट्रेडिंग जो है दैट इज द कॉमर्शियल एक्टिविटी। ठीक, तो चलिए इतना आपको समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। अब क्या है कि मान लीजिए कि अगर कोई कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन नहीं है, इफ द ट्रांजेक्शन आर नॉट इन नेचर ऑफ कॉमर्स या कॉमर्शियल, ट्रांजेक्शन आर नॉट इन कॉमर्शियल नेचर, तो क्या होगा, वहां पे समय को एसेंस नहीं माना जाएगा। ठीक, यहां पे ये पूरा खत्म होता है। अब हम देखते हैं कि अगर फेल कर जाता है आदमी परफॉर्म करने से अपनी ड्यूटी विद इन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड गिवन इन कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या होगा, 10 मिनट में पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं समय देंगे, जो पेयर प्रोविजन है वही है उसमें कहा गया। तो प्लीज गो थ्रू योर पेयर एक्ट और सेक्शन 55 देखिए, इफेक्ट ऑफ फेल्योर टू परफॉर्म एट फिक्स टाइम इन कॉन्ट्रैक्ट इन विच टाइम इज एसेंशियल। मैंने जितने उदाहरण बताए हैं उसके आधार पे आप इसको अभी बहुत आसानी से समझने वाले हैं। अगर फिक्स टाइम में, जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट में टाइम फिक्स किया गया है, उसमें आदमी फेल कर रहा है, फेल कर रहा है क्या परफॉर्म करने से उस टाइम पीरियड में, तो क्या होगा, When a party to a contract promises to do a certain thing at or before, तो ये दो बातें हैं, या तो पहले कर ले या उस समय पे करे जो टाइम फिक्स है, एट और बिफोर की बात हो रही है, तो अगर promises to do a certain thing at or before a specified time or certain things at or before a specified time, प्रॉमिस करता है या कुछ कॉन्ट्रैक्ट प्रॉमिसेस टू डू सर्टेन थिंग, यानी भविष्य की बात है और वर्तमान की बात है, एंड फेल्स टू डू सो, फेल्स टू डू एनी सच थिंग एज और बिफोर द स्पेसिफाइड टाइम द कॉन्ट्रैक्ट और सो मच ऑफ इट हैज नॉट बीन परफॉर्म बिकम वायलेबल। बात समझेगा, कोई चीज कहने के लिए प्रॉमिस कर रहा है या उसको परफॉर्म करना है स्पेसिफाइड टाइम पे, उस स्पेसिफाइड टाइम पे नहीं कर पाता है। मान लीजिए एक दो तीन पार्ट में करना था, 100 टन चावल भेजने थे, तो उसने क्या किया, इस समय में तीन बार में भेजा, 30 इधर भेज दिया, ये 60 भेज दिया, ये तो विद इन टाइम भेजा, ये आउट ऑफ टाइम भेजा, तो जहां तक आउट ऑफ टाइम भेजा इसको क्या करेगा, सेकंड पार्टी कहेगा हम नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे, वो इट मींस जो इसमें लाइन अंतिम दी गई है कि पार्ट में अगर कोई चीज प्रॉमिस को पूरा किया गया है तो उतना तो जहां तक टाइम है उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है, जो टाइम के बाहर गया उसको रिजेक्ट किया जा सकता है, वो वायडेबल बनाया जा सकता है, वायडेबल होगा उसके इसके एट द ऑप्शन ऑफ प्रॉमिसी के ऑप्शन पे वो पार्ट वायडेबल हो जाएगा जो नहीं परफॉर्म किया गया टाइम में। ठीक, इफ द इंटेंशन ऑफ द पार्टी फॉर द टाइम शुड बी ऑफ द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो 55 का जो पहला कहता है, जो मैंने पहला हुआ था तीन तक तो बताए थे, उसमें जो पहला वाला है कि अगर पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट में इंटेंशन होता है कि वो टाइम एसेंस होगा, ठीक है, टाइम एसेंस होगा, तो यहां भी ये बात लागू होती है। चलिए दूसरा
इफेक्ट ऑफ सच फेल्योर व्हेन टाइम इज नॉट एसेंशियल। अगर पहले वाले में क्या हुआ, टाइम एसेंशियल है। दूसरे वाले में क्या है, अगर टाइम एसेंशियल नहीं है, समझ लीजिए पढ़ ले रहा हूं, टाइम एसेंशियल नहीं है तो वल्नरेबल नहीं होगा। बहुत सीधी बात। हाँ, एक बात हो सकता है कि अगर हमको देर से चीजें मिली उसकी वजह से कोई हमें नुकसान हुआ है तो उसको हम क्लेम कर सकते हैं कि इसकी क्षतिपूर्ति हमें कर दो, कंपनसेट कर दो, इतना क्लेम किया जा सकता है। बट उसको वॉइड नहीं किया जा सकता। देयर इज नो राइट टू मेक द कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। इट मींस दैट कॉन्ट्रैक्ट वुड नॉट बी वॉइडेबल। बस इतनी बात है, पढ़ो। जहां पे समय जो है क्या नहीं है, मर्म नहीं है, मूल नहीं है उस कॉन्ट्रैक्ट का, तो 55 का सेकंड पैरा, इफ इट वाज नॉट द इंटेंशन ऑफ द पार्टी, अगर पार्टी का इंटेंशन नहीं था, क्या नहीं था, द टाइम शुड बी ऑफ द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट का एसेंस होना चाहिए टाइम, ऐसा कोई अगर बात नहीं था तो क्या होगा, द कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट बिकम वॉइडेबल, वॉइडेबल नहीं होता बाय द फेल्योर ऑफ टू बाय द फेल्योर टू डू के लिए कोई चीज क्लेम नहीं कर पाए।
जाएगा unless at the time of such an acceptance he gives notice to the promisor of his intention to do so. एक्सेप्ट करने के समय या एक्सेप्ट करने से पहले कि मैं तुमसे कंपनसेशन ले लूंगा, मुझे चाहिए क्योंकि मेरा नुकसान हुआ है, क्योंकि तुमने प्रॉमिस को टाइम पे परफॉर्म नहीं किया है. तो ऐसी स्थिति में उसको नोटिस पहले देना होगा. फर्स्ट वी शुड सर्व अ नोटिस एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस और बिफोर द एक्सेप्टेंस, बिफोर द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस एंड टाइम लिमिट स्पेसिफाइड इज एक्सपायर. तो उसके बाद वो करेंगे, भेजोगे तो हम ले लेंगे, लेकिन हमें क्लेम करना होगा कंपनसेशन भी, तुम मानना होगा. अगर नहीं मानोगे तो फिर नहीं करेंगे, ठीक है, तब वो क्लेम कर पाए, अदरवाइज नहीं. तो यहाँ पे 55 खत्म होता है. आगे यहाँ पे आप समझिए कि अभी तक जो हम लोग चल रहे थे कि परफॉर्मेंस डिस्चार्ज बाई परफॉर्मेंस, तो डिस्चार्ज बाई परफॉर्मेंस जो आपके 40 से शुरू होता है ना, तो 40 से लेके ये 55 तक है. मैंने वहां बताया था और ये भी बताया था 38-39 में मेन आप देखते हैं, बाकी उसमें क्या क्या कंडीशन होती है वो 55 तक जाती है. तो आज हमारा खत्म होता है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाई परफॉर्मेंस, अनुपालन के द्वारा, पालन के द्वारा संविदा का उन्मोचन.